Good morning, dear students. Here it is our third class of mathematics, and we will continue first chapter. The first topic that we are going to learn today is expressing a number using expanded form. That means numbers को कैसे express करते हैं expanded form में, ये हम सीखेंगे अभी. But before that, let's learn what is expanded form. Expanded form होता क्या है? It is the representation of a number separated into individual place values of its digits. That means, जो भी number होता है, उसमें जितनी digit होती है, कोई मतलब दिया हुआ number है, उसमें जितनी भी digits होंगी, सबकी individual place values को separate करना होता है. इसमें expanded form में. जब individual place values को हम लोग हर digit के individual place values को separate कर देते हैं, उसी को कहते हैं expanded form. So, in order to write the expanded form, we write all the place values of the different digits in a number in addition fact. Expanded form में numbers को write करने के लिए हम क्या करते हैं? सारी जितनी भी digits, different digits means अलग-अलग digits, जितनी भी digits होती हैं number में, उनकी place values को write down करते हैं. यही था expanded form भी, तो बस वही है ये. इसमें एडिशन फैक्ट में कोई नंबर है उसमें जितनी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज के साथ हम उन्हें लिखते हैं इंडिविजुअली मींस अलग अलग लिखते हैं एडिशन फैक्ट में. यही हमारा वे भी होता है एक्सप्रेस करने का और एक्सपैंडेड फॉर्म भी यही होता है. सो एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर विल बी, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक नंबर दिया है, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे किसी भी एक्सपैंडेड फॉर्म को हम लोग जब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना. सो लेट्स प्लेस द वैल्यूज फर्स्ट. 7 इज इन 1 स्पेस, 6 इज इन 10 स्पेस, 3 इज इन 100 स्पेस, 2 इज इन 1000 स्पेस, 3 इज इन 10000 स्पेस, 4 इज इन लाख स्पेस, 5 इज इन 10 लाख स्पेस एंड सेकंड और द अनदर फिफ्थ इज इन क्रोर्स प्लेस. जो अभी हमने बोला प्लेस, क्रोर स्पेस, 10 लाख स्पेस, लाख स्पेस, यही सारी प्लेसेस हैं और वो डिजिट बस उस डिजिट को और उसकी प्लेस वैल्यू के साथ हम लोग लिख देते हैं, वही होती है हमारी इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू. ये 5 है, 5 इज इन 10 करोड़ स्पेस, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे 5 करोड़ प्लस यहाँ पे क्या है 10 लाख, सेकेंड फिफ्थ है 10 लाख पे, तो 5 इज इन 10 लाख स्पेस, 10 मीन्स 5 × 10 50, 50 lakh, this 4 is in lakh space, 4 lakh, 3 is in 10,000 space, means 30,000, 2 is in 1,000 space, so my place value 2 ki ho gayi 2,000, 3 is in 100 space, so the place value of 3 is 300, the place value of 6 is 60 because it is in 10 space, and the place value of 7 is 7, why? Because 7 is in 1 space, and whenever we will multiply any number by 1, we will get the same number. Yes? यही है हमारा expanded form addition fact के साथ, जो हमने addition का signature लगाया है. ऐसे यही हमें बस numbers दिए होते हैं, उन्हें individual place value के साथ हम लोग लिख देते हैं, आ जाता है हमारा expanded form. This is the way to express a number using expanded form. So, let's see one more thing. अगर हमें नंबर को वर्ड्स में लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये चीज बता चुके हैं हम, फिर भी यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं. इन वर्ड्स हम उसे कैसे लिखते हैं, जैसे हम उसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे भी हम उस नंबर को बोलते हैं वैसे ही प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या है 5 करोड़, तो 5 करोड़ 54 लाख, हमने क्या लिखा 54 लाख, अलग अलग प्लेस थी ना लैक्स 10 लैक्स, फिर भी हमने साथ लिया, क्यों, क्योंकि सेम पीरियड में है, तो सेम पीरियड में जितनी भी प्लेसेस, एक पीरियड में जो भी प्लेसेस होती हैं हम लोग उन्हें साथ में लिखते हैं. तो 54 लाख, 32,000, 2,000, 300 एंड 67. रिपीटेड वंस मोर, 5 करोड़, 54 लाख, 32,000, 300 एंड 67. दिस इज आवर एक्सपैंडेड फॉर्म एंड दिस इज द नंबर दैट वी हैव रिटन इन वर्ड्स. आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ नंबर यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप,
टू प्लेस द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट. नंबर्स को पहले हम लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना होता है एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए. लेट्स प्लेस इट. 4 इज इन 1 स्पेस, 2 इज इन 10 स्पेस, 3 इज इन 100 स्पेस, 6 इज इन 1000 स्पेस, एंड 8 इज इन 10000 स्पेस, 5 इज इन लाख स्पेस, 2 इज इन 10 लाख स्पेस. सेम वैसे हम लोग उसे राइट डाउन कर लेंगे. 2 इज इन 10 लाख स्पेस मींस 20 लाख होगा. तो हम लोगों को कितनी प्लेसेस कितने जीरो लगाने होंगे, एक तो डिजिट इटसेल्फ हम लोगों को लिखना होगा. देन कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस के बाद और है तो 6 जीरोस और लगा देंगे. 5 इज इन लाख स्पेस, देन राइट डाउन 5, देन रिमेनिंग जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा देंगे. ठीक, जितनी प्लेसेस होती हैं उतने जीरो लगाते हैं. यहाँ पे 8 इज इन 10000 स्पेस, तो 80000 सिंपली हम लोग लिख सकते हैं. बट कंफ्यूजन अगर हो हम लोग क्लियरली प्लेसेस काउंट कर लेते हैं कि हाँ 8 तो अपनी प्लेस उसने लिख दिया है, उसके बाद 4 और प्लेसेस, 4 मोर जीरोस. यस, 6 इज इन 1000 स्पेस, 6000, 3 इज इन 100 स्पेस, 300, देन 2 इज इन 10 स्पेस, 20, 4 इज इन 1 स्पेस, सो 4 विल बी रिटन एज 4. ये हो गया हमारा नंबर एक्सप्रेस एक्सपैंडेड फॉर्म में. यस, ये है वन मोर एग्जांपल. सो अब इसे देख लेते हैं. इसमें भी कितने डिजिट्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7. ईजिली हम लोग उसे रीड कर सके इसलिए कॉमा लगा लेते हैं. सो व्हाट इज इट, 47,60,039. लेट्स प्लेस इट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. 9 इज इन 1 स्पेस, 3 इज इन 10 स्पेस, 0 इज इन 100 स्पेस, नेक्स्ट 0 इज इन 1000 स्पेस, 6 इज इन 10000 स्पेस, 7 इज इन लाख स्पेस, 4 इज इन 10 लाख स्पेस. यहाँ पे हमें क्या देखना है, सब तो ठीक है. जैसे 4 इज इन 10 लाख स्पेस, सो 40 लाख, वी हैव रिटन हियर 40 लाख. 7 इज इन लाख स्पेस, सो 7 लाख. जब लाख जो भी नंबर है, जैसे ये डिजिट है, प्लेस वैल्यू उसकी क्या है, 10 लाख, तो हम लोग उसकी प्लेस वैल्यू, इंडिविजुअल प्लेस वैल्यूज ही तो लिखते हैं ना हम लोग डिजिट्स की एक्सपैंडेड फॉर्म में. तो हम लोगों ने इंडिविजुअल प्लेस वैल्यूज लिख ली. और जब हमें प्रॉब्लम होती है काउंट करने में कितने डिजिट्स, हाँ कितने जीरो सही लगाए या नहीं, ये चेक करते हैं कैसे हम लोग प्लेसेस काउंट कर लेते हैं. 10 लाख के बाद कितनी प्लेसेस और हैं, हमने 4 तो सही लिखा है, इसके बाद कितनी और प्लेसेस है, 5 6 और प्लेसेस, हाँ तो 6 जीरोस. देन 7 इज इन लैक्स प्लेस, इसके बाद कितनी और प्लेसेस है, 5, तो 7 के बाद 5 जीरोस. 6 इज इन 10000 प्लेस, 10000 के बाद कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस, 60,000. नाउ यही देखना है हमें. अभी तक तो हम लोगों ने लर्न कर ही लिया था कि देख लिया था, सीख लिया था कैसे हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को. बट एक और एग्जांपल क्यों लिया, ये देखने के लिए कि जब जीरो लिखा होता है नंबर्स के बीच में तो हम लोग उस नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं. 10,000 स्पेस हो तो हम लोगों ने 60,000 लिख लिया, बट 1000 स्पेस पे क्या है, जीरो. 100 स्पेस पर भी है जीरो. जब जीरो आता है तो हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में वो प्लेस पे कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट प्लेस पे जो भी नंबर होते हैं वो लिखते हैं. ये फिर जो भी हम लोगों के बीच में दिख रहा है ना, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 5, इट मीन्स ये 10,000 है, देन 10s आ गया सीधे. बीच के दो नंबर्स मिसिंग है, दैट इज 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स नंबर मिसिंग है. तो ये अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पे जीरो होगा. ठीक, जब भी यहाँ पे जीरो हो तो हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में से एक्सप्रेस करते हुए कुछ नहीं लिखते, जीरो को नहीं लिखते. 3 इज इन 10 स्पेस, 9 इज इन 1 स्पेस, क्लियरली लिख लिया. अब इसे हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखते हैं जब जीरो मिसिंग होता है, तो सेम वही नंबर को हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं. 47,60,000, 47 लाख. हम लोगों ने 47 को साथ में क्यों बोला, बिकॉज 4 और 7 हैं तो दोनों की प्लेसेस अलग अलग, बट एक ही पीरियड के दोनों मेंबर्स हैं ना, दोनों प्लेसेस हैं तो एक ही पीरियड में, इसीलिए एक ही सेम पीरियड्स की प्लेसेस एक साथ लिखी जाती है. 47,60,039. क्या 47,60,039. यहाँ 1000 और 100 की प्लेस वैल्यूज मिसिंग थी. 60,000 हम लोगों ने लिखा, 60 लिखा,
इसके बाद कोई अगर नंबर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे भी जीरो होगा। एक ही नंबर, एक ही प्लेस तो लिखी ना हमने यहाँ पे 60 की। इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं जब बीच में जीरोज आए हुए होते हैं तो, और इन नंबर्स को फिर हम लोग वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये देखा हमने। नाउ वी विल लर्न प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। व्हाट इज प्रीडिसेसर? द प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज वन लेस दैन द गिवन नंबर। प्रीडिसेसर क्या होता है? किसी भी गिवन नंबर से वन माइनस कर दो, वन लेस। लेस मीन्स कम, बस वन कम। सिर्फ एक नंबर कम होता है किसी भी नंबर का, उसको हम लोग प्रीडिसेसर कहते हैं। वन लेस मीन्स सिर्फ एक कम, एक कम होता है उसको कहते हैं प्रीडिसेसर। प्री का मतलब ही होता है पहले, तो बस जो भी नंबर दिया है उसके जस्ट एक पहले जो नंबर आता है वो होता है प्रीडिसेसर। इसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें कोई नंबर है यहाँ पे, उसमें से वन माइनस कर दिया तो हमें मिलता है जो भी नंबर वो प्रीडिसेसर होता है। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम नंबर मीन्स कोई नंबर है, सपोज 5 है नंबर या 56 है नंबर, हमने वन माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम नंबर, फिर हमें मिल गया 55। ये हो गया हमारा प्रीडिसेसर। उसके जस्ट एक नंबर पहले जो नंबर आता है वो होता है हमारा प्रीडिसेसर। या हम लोग वन माइनस करते हैं डायरेक्ट मिल गया, नहीं तो प्री मीन्स पहले, तो एक पहले का भी तो लिख सकते हैं। दो तरीके में से कोई भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बस जो नंबर दिया उसमें से वन माइनस कर दें तो पहले वाला नंबर आ जाता है, वही होता है प्रीडिसेसर। द नेक्स्ट इज सक्सेसर। सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज वन मोर दैन दैट गिवन नंबर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले, तो बस एक नंबर कम कर दो, उसके पहले जो नंबर है वो हो गया हमारा प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है बाद वाला। कोई नंबर दिया है उसमें वन मोर मीन्स वन ऐड कर देते हैं, किसी नंबर में वन ऐड कर देते हैं तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है। मीन्स उससे एक नंबर बड़ा जो भी होता है वो होता है सक्सेसर। जैसे यहाँ नंबर है 56, क्या गया प्लस वन तो हमें सक्सेसर मिल गया, तो हमारा सक्सेसर यहाँ क्या होगा 56 होगा हमारा सक्सेसर। सॉरी 56 तो दिया हुआ है, 56 नंबर दिया है हमने यहाँ पे, उसमें वन ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 57 सक्सेसर। सक्सेस मीन्स आगे बढ़ना, सक्सेस मिलना यही होता है ना, आगे बढ़ना। जो लोग आगे बढ़ते हैं बोलते हैं हाँ भाई उसे सक्सेस मिली है, उसने हार्ड वर्क किया उसे सक्सेस मिली। सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, तो बस एक आगे बढ़ते हैं हम लोग तो मिलता है 57, और हम लोग का वही 57 होता है सक्सेसर। वन मोर यही याद करना हमें, जब वन मोर है मतलब वन ऐड करना है किसी नंबर में तो सक्सेसर मिलता है, वन लेस वन माइनस करेंगे तो प्रीडिसेसर मिलता है। यू हैव वन एग्जाम्पल 543267 मीन्स 543267। ये नंबर है, इसका हम लोग ने प्रीडिसेसर निकालना है देन सक्सेसर। प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे? कोई नंबर जो भी हमें नंबर दिया है उसमें माइनस वन, यही ना वन लेस, माइनस वन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रीडिसेसर। 7 माइनस 1 वन स्पेस पे वन, यहाँ पे वन ही तो है, वन हमेशा वन स्पेस पे आएगा, तो वन स्पेस पे हमारा 7 है, 7 माइनस 1 6 आ गया हमारा प्रीडिसेसर। देन हमारा सक्सेसर आएगा, वन ऐड कर देंगे 543268, ये हो गया हमारा सक्सेसर। वन माइनस कर देंगे तो प्रीडिसेसर, वन प्लस कर देंगे तो सक्सेसर। ये माइनस वन प्रीडिसेसर, प्लस वन सक्सेसर। पीछे जाना, प्री मीन्स पीछे जाना, पहले सक्सेस मीन्स आगे जाना। माइनस वन प्रीडिसेसर, प्लस वन सक्सेसर। नाउ वी विल डिस्कस कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं? कंपेयर करना, ठीक, नंबर्स को कंपेयर करना। और कंपेयर हमेशा हम लोग किसी दो चीज़ को करते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ को। कभी कंपैरिजन किसी एक चीज़ का नहीं होता, एक चीज़ की क्वालिटी बताई जा सकती है बट किसी एक चीज़ की का कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब ही होता है किसी दूसरे से किसी की मतलब बराबरी करना या तुलना करना। तो कंपैरिजन के लिए हमेशा हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कंपेयरिंग नंबर्स में दो कंडीशंस है हमारे यहाँ पे, नंबर्स को कंपेयर करते हुए कितनी दो कंडीशंस है। पहली क्या है?
नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल और सेम। पहली कंडीशन ये है कि जब हमारे नंबर्स में डिजिट्स सेम होती हैं तो क्या तब हम लोग नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। दूसरी क्या है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, नंबर जितने डिजिट्स हैं उसमें जो डिजिट्स है किसी नंबर में डिफरेंट मीन्स अलग अलग करते हैं। ठीक, दो कंडीशन हमारी, पहले हम लोग फर्स्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल और सेम, देन व्हाट वुड वी डू स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट। ऐसी कंडीशन में जब डिजिट्स सेम हैं नंबर्स की तो हम लोग लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं। लेफ्ट, हमारे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं डिजिट्स को कंपेयर करना। कैसे, पहले तो हम लोग उनकी प्लेस वैल्यूज रख लेते हैं, इससे क्लियर है बिल्कुल हाँ कि इसकी प्लेस वैल्यूज क्या है। हम लोग प्लेस वैल्यूज रख ली, काउंट करें पहले डिजिट सेम है 1 2 3 4 5 6, हाँ इसमें 6 डिजिट्स है। सेकेंड नंबर में 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स उसमें है, 6 डिजिट्स इसमें भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती है प्लेस वैल्यूज पहले रख लेते हैं, देन प्लेस में, हाँ सॉरी, प्लेस वैल्यू चार्ट के फॉर्म में हम लोगों ने बना लिया, वैल्यूज प्लेस कर ली। हम लोगों ने देखा लैक्स प्लेस, हमारे जो लेफ्ट पोजीशन पे पहली नंबर है वो है लैक प्लेस पे, इधर भी लैक प्लेस पे और डिजिट भी सेम है, 4 ही है तो सेम डिजिट हुई और दोनों लैक प्लेस पे। देन आती है हमारी 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस 5 है यहाँ पे, यहाँ पे भी 5 है। एट बोथ द प्लेसेस व्हाट इज द डिजिट दैट इज सिचुएटेड, नाउ 5 इज स्टैंडिंग इन both the places at 10,000 space. Yes? Then we come to the next step, that is 1,000 space. Yes, 1,000 space पे आएंगे, step by step हम लोग left side से right side पे जाते हैं। तो next step पे आ गए हम लोग, हमारे 1,000 space. One is in 1,000 space, here also one is in 1,000 space. Then, ये भी same हो गया, दोनों 1,000 space पे one है. Then हम आते हैं 100 space पे. 100 स्पेस पर हमने देखा हमारी दोनों डिजिट्स डिफरेंट है, कैसे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो हम लोग उन डिजिट्स को कंपेयर कर लेंगे। 3 इज बिगर देन 2, दिस इज एन ऑब्वियस थिंग। सो क्या क्या हम लोगों ने, 3 बिगर है तो हमारा ये नंबर बिगर होगा। जब कंपेयर करते हैं हम लोग तो बस जिस जहाँ हम लोगों ने देखा कि हाँ ये डिजिट बड़ी है बस वहीं पे हमें आंसर मिल जाता है, उसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीड नहीं करते हैं। बस देख लिया यहाँ पे 3 बिगर है 2 से, तो ये नंबर हमारा बिगर है। दस 4 5 1 3 2 7 इज बिगर देन 4 5 1 2 5 4। ठीक, सब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, कितनी प्लेसेस सेम है फिर हम लोग देखते जाते हैं, जब तक सेम है तब तक तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट डिजिट्स मिली वहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, जब डिजिट्स जो है हमारे नंबर में डिफरेंट है तो क्या कहते हैं, द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ऑलवेज बिगर। ये तो क्लियर ही है हमारा कि जब हमारे जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो हमेशा बिगर नंबर होता है या फिर लार्जर नंबर होता है या दो नंबर्स हैं। यस, लेट्स काउंट द डिजिट्स नाउ, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स है। सेकेंड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स, क्लियरली हमें दिख रहा है 8 डिजिट्स हैं इसमें, इसमें 6 डिजिट्स, सो 8 इज लार्जर देन 6 ना, सो 8 डिजिट्स नंबर लार्जर होगा हमारा। क्या हो गया, 10 7 4 2 3 5 3 1 7 इज ग्रेटर देन 7 4 2 3 5 3। Yes, see you in the next lecture, till then take care.